सिविल अस्पताल कन्नौज में निश्चय पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों को गोद लिया गया एवं उनके पोषण आहार के रूप में फूड बास्केट का वितरण किया गया। बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा द्वारा बताया गया कि एनटीईपी कार्यक्रम के अंतर्गत निश्चय पोषण आहार योजना जो कि टीबी के मरीजों को अच्छा आहार देने के लिए बनाई गई है, जिसमें मरीजों को आटा, तुअर दाल, मूंगफली दाने एवं चने दिए जाते हैं। इसमें जो निश्चय मित्र टीबी मरीजों को गोद लेते हैं उनके द्वारा मरीजों को फूड बास्केट दी जाती है। आज जिन निश्चय मित्रों द्वारा मरीजों को फूड बास्केट दी गई उन निश्चय मित्रों में बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा, डॉक्टर तरुण सुमन, दिनेश साहू, प्रदीप पवार, दिनेश शर्मा शामिल है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत निश्चय मित्र हमको बनाना है, जिसके अंतर्गत हम टीबी के गरीब मरीजों के लिए फूड बास्केट उनको प्रदान करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग उनको चावल, आटा, दाल, चने, मूंगफली, जो प्रोटीन डाइट होती है वो हम उसको उनको देंगे, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक एक टीबी मरीज गोद लें। इसमें 500 रुपए का खर्चा आता है, 6 महीने तक उसका कोर्स होता है। उसके साथ हम इसको अगर ये फूड बास्केट देंगे, उनको खाने का सामान देंगे, तो उन लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और इस टीबी रोग से लड़ने की शक्ति उनके शरीर में आएगी, जिससे कि वो जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे। और इलाज हम लोग मुफ्त देते ही हैं उनको, साथ में ये बास्केट मिलेगी तो उनका काफ़ी सहयोग रहेगा। धन्यवाद सर। आज आपके द्वारा यहाँ पर कितने लोगों को फूड बास्केट बांटी गई? आज कन्नौज जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा एकत्रित करके करीब 5 मरीजों को यहाँ पर फूड बास्केट बांटी गई है, जो कि एक बहुत बढ़िया, एक उच्च स्तरीय कार्य है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी टीबी में बाद में दे देंगे। सर, आज टीबी प्रोग्राम निश्चय पखवाड़े के अंतर्गत, जो निश्चय पोषण आहार के अंतर्गत आज विश्व एड्स दिवस भी मनाया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज टीबी का जो प्रोग्राम मनाया गया है उसमें फूड बास्केट दी गई है टीबी के जो मरीज हैं। प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसके अंतर्गत भारत को टीबी से मुक्त करना है। इसी अभियान के अंतर्गत हम लोगों द्वारा कन्नौज ब्लॉक के जो मरीज टीबी के हमारे चल रहे हैं उनको फूड बास्केट दी गई है। फूड बास्केट में उनको पोषण आहार दिया गया ताकि उनके जो शारीरिक क्षमता है वो उसमें वृद्धि की जा सके, इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। सर, आज लाल रिबन लगा हुआ है आपके बैच के ऊपर, आज ये लाल रिबन क्यों लगाया गया है? आज विश्व एड्स दिवस है, उसके तत्वावधान में भी बहुत सारे प्रोग्राम आज होने हैं ताकि लोगों में एचआईवी के प्रति जागरूकता आए, इसलिए रेड रिबन करीब करीब सभी कर्मचारियों को लगाया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।